ये दोस्तों आज की इस वीडियो में जानेंगे कि जीबी व्हाट्सएप में लिंकेड डिवाइस का ऑप्शन क्यों देता है और इससे हमको क्या फायदे हैं, आइए जानते हैं। तो आइए सबसे पहले जीबी व्हाट्सएप को ओपन करते हैं और ओपन करने में जैसे हम ट्रिपल डॉट पे जाएंगे तो आपको यहाँ पर लिंकेड डिवाइस का ऑप्शन मिल जाता है, ठीक है ना। पहले ये आता दोस्तों वेव वर्जन करके आता था या फिर वेव व्हाट्सएप के नाम से आता था, लेकिन अब इसको अपडेट कर दिया, ठीक है ना। इस पर क्लिक करके ठीक ओके पे क्लिक कर दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर लिंकेड डिवाइस पे क्लिक करके आप अपने व्हाट्सएप को लैपटॉप कंप्यूटर या फिर टैबलेट किसी भी बड़े डिवाइस में ऐड कर सकते हैं। सिंपल क्या करना है, जिस भी डिवाइस में आपको ऐड करना है, ठीक है ना, जिस भी डिवाइस में, बस एक ही फ़ोन है तो आपको मैं समझा देता हूँ, जिस भी डिवाइस में आपको ये अपना व्हाट्सएप ऐड करना है, तो जैसे उनके गूगल ब्राउजर पर जाइएगा, ठीक है ना। गूगल ब्राउजर पर जाकर आपको सर्च करना है वेव व्हाट्सएप, ठीक है ना, वेव व्हाट्सएप उनके जिनके जिनके लिंक जिनके डिवाइस में आप लिंक करना चाहते हैं, जिस डिवाइस में आप अपना मोबाइल अपना व्हाट्सएप चलाना चाहते हैं, ठीक है, उनके उस डिवाइस में जाकर करना है। अगर आप लैपटॉप में करना चाहते हैं लैपटॉप में करिएगा, कंप्यूटर में आपको ऐड करना है तो कंप्यूटर में करिएगा, या फिर टैबलेट में आपको करना है तो टैबलेट में ये सर्च करिएगा वेव व्हाट्सएप, देन वेव व्हाट्सएप पर क्लिक करिएगा। तो क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आने के बाद आप भी देखिए आपके सामने एक QR ओपन हो जाएगा, यहाँ पर देखिए QR ओपन हो रहा है, ठीक है। जैसे ये QR ओपन हो जाएगा तो आप यहाँ पे एक वीडियो भी दे सकते हैं ट्यूटोरियल टाइप में, देखिए यहाँ पर हाउ टू लिंक ए डिवाइस, देखिए यहाँ पर QR ओपन हो गया। अब देखिए दिखा रहा है ना यहाँ पर कि आप अपने मोबाइल के लिंक के डिवाइस में जाइए और इस पर क्लिक करिए और अपना जो भी पिन है पिन डालिए, और पिन नहीं रहे तो कोई बात नहीं, ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा। देन डन पे क्लिक करिए, उसके बाद ये कहेगा स्कैन करने के लिए। अब देखिए यहाँ पर लैपटॉप का QR स्कैन हो रहा है और आपका जो मोबाइल का व्हाट्सएप है वो कंप्यूटर में चलना चालू होगा, देखें देख लिए ना। तो देखिए अब ये जो व्हाट्सएप आप QR देख रहे हैं, ये जो QR देख रहे हैं ये आपके जिस भी डिवाइस में आपको व्हाट्सएप चलाना है उस डिवाइस में ओपन होनी चाहिए। सपोज देट मान लीजिए हमको लैपटॉप में ऐड करना है, ठीक है, लैपटॉप में अपना व्हाट्सएप चलाना है, ठीक है, तो उस लैपटॉप में हमको इस वेबसाइट पर आकर इस QR को ओपन करना है। देन अपने मोबाइल से इस वाले लिंक के डिवाइस पे क्लिक करेंगे, देन यूज मोबाइल डाटा, ठीक है, पिन अपना डालिएगा, पिन डालने के बाद कन्फर्म पे क्लिक करिएगा, देन ओके पे क्लिक करिएगा, कंटिन्यू पे क्लिक करके अलाउ कर दीजिएगा और आपका ये QR ओपन हो गया, ठीक है ना। अब जैसे ही आप QR से इस अपने मोबाइल से लैपटॉप QR ओपन स्कैन करेंगे, वैसे ही तुरंत ये स्कैन करके तुरंत आपका आपका जो लैपटॉप में QR है उससे ऐड हो जाएगा और आपका GB व्हाट्सएप लैपटॉप में चलने लगेगा, ठीक है ना। तो इस तरह करके आप अपने लैपटॉप से GB व्हाट्सएप को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई सवाल है तो कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो लाइक करें, शेयर करें। अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सो दैट सी टुडे, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।